दोस्तों, मैं बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हेलो सर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्षेत्रमिति संबंधी एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। प्रश्न यहाँ दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है तथा इसके चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीका के प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। परीक्षा में आपको समय की चुनौती होती है और समय बचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रश्न को हम लोग साधारण विधि से नहीं बनाएंगे, बहुत इजी प्रश्न है, इसको हम लोग ट्रिक द्वारा बनाएंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गिवन लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। गिवन वर्ग की भुजा देखिए आपके पास दिया गया है 80 मीटर, भुजा ए बराबर 80 मीटर और बाहर से जो रास्ता है यह है आपका 5 मीटर। तो रास्ता लिख लीजिए x बराबर 5 मीटर। यदि डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आप समझने के लिए बना सकते हैं। ये 80 मीटर वर्गाकार मैदान है और इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा। जी हाँ दोस्तों, 5 मीटर चौड़ा, इधर भी 5 मीटर हो गया, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और इस प्रकार भी इधर भी आपका 5 मीटर। जी हाँ दोस्तों, तो 5 मीटर ये आपका चौड़ा रास्ता हो गया, 80 मीटर का मैदान हो गया। प्रश्न पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसको हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए याद रखेंगे सूत्र, और एक्स ए प्लस एक्स। आपको करना कुछ नहीं, आप देख रहे हैं ए जो है वर्गाकार मैदान की भुजा है और एक्स जो है रास्ता का चौड़ाई है। तो चलिए आप बैठा दीजिए, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 5 हो गया और भुजा 80 है और ए 5 है, ये हो गया 5 × 20 और ये 80 और 5 85 हो गया। दोनों गुणा कर लेंगे, 2 × 10 2 × 16 1 × 17 यानी दोस्तों 1700 वर्ग मीटर आया रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग यदि चेक करना है कि साधारण विधि से हम लोग कैसे बनाते थे, तो साधारण विधि से पहले निकालने के लिए आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ए स्क्वायर जान रहे हैं, 80 × 80 कर देंगे, ए हो जाएगा आपका 6400 मीटर स्क्वायर। दूसरा रास्ते सहित, रास्ते सहित वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख लीजिए इधर 5 मीटर बढ़ रहा है और इधर 5 मीटर बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 80 + 5 + 5। रास्ते सहित वर्गाकार मैदान की भुजा हो जाएगा आपका 90 मीटर। तो एक गुणा कर लेंगे, 9 × 81 मीटर स्क्वायर। और सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि 8100 मीटर स्क्वायर में घटा दीजिए 6400 मीटर स्क्वायर, तब का निकल जाएगा 1700 मीटर स्क्वायर। तो दिया दोस्तों, इस विधि में थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा, तो इसलिए हम ट्रिक विधि से प्रतियोगिता परीक्षा में इस्तेमाल करेंगे। तो बेमुश्किल से इस प्रश्न को 5-10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह ट्रिक आपको बहुत मजेदार लगा होगा। अब आगे देखिए, क्योंकि यह रास्ता जो था बाहर से 5 मीटर का था, अब कुछ रास्ता मैदान के अंदर भी हो सकता है, उससे संबंधित प्रश्न क्या होंगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, प्रश्न मान लीजिए वही है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है। अब प्रश्न यहाँ पर बदल गया, पहला प्रश्न था बाहर की ओर, अब यहाँ प्रश्न हो गया अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसा कि आपको शुरू ही बताया गया, शुरू प्रश्न में रास्ता जो था वो बाहर से बनाया गया था, अब जो प्रश्न आ रहा है इसमें रास्ता जो है वह अंदर से है। तो बाहरी भुजा हो गया आपका 80 मीटर, ये रास्ता जो हो गया 5 मीटर, ये भी आपका हो गया 5 मीटर। तो इस तरीका के प्रश्न को जब रास्ता अंदर की ओर हो तो ट्रिक आप 2 इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिक में ज्यादा बदलाव नहीं है, 4x a - x, वहां पर जब रास्ता बाहर की ओर हो
तो a प्लस एक्स होता था, यहां पर रास्ता चूंकि अंदर की ओर है तो a माइनस ए एक्स है। गिवन में आप लिख लेंगे, ये जो भुजा आपका दिया गया है 80 मीटर और x का जो वैल्यू है 5 मीटर, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 4 हो गया, x के जगह 5 बिठा दीजिए और 80 में 5 घटा देना है दोस्तों, ये हो गया 4/20 और इसको 75 से गुणा कर दीजिए, 5 × 10, 7 × 14, 1 × 15, ये आया 1500 स्क्वायर मीटर किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। इसको आप साधारण विधि से भी आराम से निकाल सकते हैं। साधारण विधि में आपको करना क्या होगा, ये पहले वर्गाकार मैदान का एरिया निकालना होगा, मैदान का एरिया तो करना कुछ नहीं है, 80 × 80 ये बराबर हो गया आपको 6400 मीटर स्क्वायर, और फिर मैंने बिना रास्ता का, तो अब इसमें क्या करेंगे कि 80 में 10 घटा दीजिए 70 बच गया, तो 70 × 70 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 4900 मीटर स्क्वायर। अब रास्ता का निकालना हो, रास्ता के एरिया, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा दिया जाएगा, ये आपका आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आप ट्रिक एकदम याद रखेंगे, यदि रास्ता बाहर की ओर हो तो 4x a प्लस x याद रखेंगे, और रास्ता अंदर की ओर हो तो a माइनस x याद रखेंगे। इस बेहतरीन ट्रिक से आप आराम से किसी भी वर्गाकार मैदान के अंदर की ओर या बाहर की ओर यदि रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों आराम से इस ट्रिक द्वारा निकाला जा सकता है। हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।